गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, सेवेंथ क्लास आपकी फर्स्ट ड्यूटी बेटा समाप्त हो चुकी है, आपकी सेकंड ड्यूटी का कार्य प्रारंभ हो रहा है आपका, ठीक है। आज आपको सेकंड ड्यूटी में पार्ट चार पढ़ा जाएगा, चतुर्थ पार्ट है, चतुर्थ पार्ट में माने पार्ट चार उगाना माने बेटा बगीचा होता है। आप सभी को पता है बगीचे में क्या क्या होता है, बगीचे में फूल फल पक्षी लोग उसमें घूमने आते हैं, झूले पे बैठते हैं, है ना, झूला खाते हैं ना, और किसी किसी जो ज्यादा बड़ा बगीचा था उसके अंदर तालाब भी होता है, छोटे छोटे यानी कि स्विमिंग पूल जैसे कहते हैं वह भी होता है। तो आज हम इस पार्ट के अंदर आपके बगीचे से ही सारी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, बगीचे में जाके मन कितना मनमोहक हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, बच्चे पार्क में जाकर आपको उसको पार्क का भी नाम देते हैं, बच्चे वहाँ जाकर कितना खुश होते हैं और हम भी आनंद में महसूस करते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर पूरे दिन की थकान होती है, ठीक है, हम लोग थक जाते हैं, कुछ तो सुबह के नंबर पे वॉक पे जाते हैं गार्डन के अंदर और कुछ शाम के नंबर में घूमने के लिए जाते हैं, कुछ पिकनिक मनाने जाते हैं, तो इसलिए बगीचे का मतलब ये देखें कि कितना आनंद में होता है और कितना अच्छा सा होता है। तो आज हम इस विषय में क्या पढ़ेंगे, आज इस वाले पार्ट में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे बगीचे के विषय में यानी कि उद्यानम। एम रामपुर नगरे बसामी, मैं रामपुर नगर में बसामी का मतलब होता है रहता हूँ। अस्माकं नगरे एकं मनोहरं उद्यानम् अस्ति, हमारे नगर में, अस्माकं माने होता है बेटा हमारे, नगरे माने होता है नगर में, एकम माने के, मनोहरम माने मनोहर भी होता है और सुंदर भी हो सकता है, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति माने है। एतद् नगराद् बहिः अस्ति, बहिः माने बेटा बाहर होता है, एतद् माने यह नगर से बाहर है। उद्यानम मनोरमे रम्य स्थले निर्मितम अस्ति, बगीचा मनोरम रमणीय स्थान पर बना है। एतत् प्रकृतिया अनुग्रह स्थली अस्ति, यह प्रकृति की अनुग्रह स्थली है। पहला पहला हमने पढ़ा, सभी बच्चे अपने अपने सामने किताब रखेंगे और कॉपी भी है वो अपनी किताब है उसके एक पेन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि आप लोगों को संस्कृत अभी बेटा कम आती है मुझे पता है, वो तो अभी केवल आपके ऑप्शन में आ रहे हैं आपके जो पेपर, तो इसलिए आप सही कर रहे हो, लेकिन जब बोलियों में आएंगे तो फिर दिखा जाएगा, इसलिए इसका अभ्यास करेंगे जरूर। अस्मिन उद्याने अनेक वृक्षा सन्ति, अस्मिन माने इस उद्याने माने बाग में, अनेक माने अनेक, वृक्षा माने वृक्ष या पेड़, सन्ति माने हैं, इस बाग में अनेक पेड़ हैं। अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति, अत्र माने होता है यहाँ, वृक्षाणां माने होता है बेटा अनेक, ठीक है, वृक्षाणां माने होता है पेड़, छाया माने छाया होती है, शीतला माने ठंडक होती है, भवति माने होता है होती है, यहाँ जो वृक्षों की छाया होती है वह शीतल और ठंडी शीतल होती है या शीतल और ठंडी होती है, क्योंकि और का विवरण नहीं है, चाह नहीं है तो और नहीं आएगा, यहाँ वृक्षों की छाया ठंडी होती है। अत्र अनेका लता सन्ति, अत्र माने यहाँ, अनेका माने बहुत, लता माने लताएं, सन्ति माने हैं, यहाँ अनेक लताएं हैं। लतासु विविध वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प माने क्या होता है बेटा होता है, लतासु लताओं पर विभिन्न प्रकार के या विभिन्न रंगों के फूल विकसन्ति माने होता है खिलते हैं, लताओं पर या बेलों पर क्या होता है विभिन्न रंगों के फूल खिलते हैं। लतासु विकसतानि पुष्पाणि आगंतुकानां मनसि आहरन्ति, आपको पता है कि फूल जो होते हैं वो मन को कितने अच्छे लगते हैं, तो इस लाइन का विवरण यही है, बेलों पर खिले जो फूल होते हैं वो मन को बहुत हरते हैं, आगंतुक मानस मान होता है मन को, ठीक है,
मन को बहुत हरते हैं, अर्थात आकर्षित करते हैं। फूल देख के आपको भी महसूस होता है ना कि फूल तोड़ो, लेकिन फूल पेड़ों पर अच्छे लगते हैं। हम लोग फूल तोड़ तो लेते हैं बेटा, लेकिन फिर वह थोड़ी देर बाद में हम क्या करते हैं, उसको गमले को घेर देते हैं। पेड़ों पर लगे हुए फूल सुंदर लगते हैं, अनायास ही कोई भी मतलब फूल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि हम लोग उसका फिर उसको ऐसे ही पहनते हैं, वो पैरों में आते हैं। आगे है उपवन। उपवने वृक्षेषु खगा उपविशन्ति। उपवने माने बगीचों में, वृक्षेषु माने पेड़ों पर, खगा माने पक्षी भी होता है, ठीक है, यज्ञ होते हैं पक्षी भी होते हैं। उपविशन्ति माने बैठते हैं, बगीचे में पेड़ों पर कौन बैठते हैं, पक्षी। पक्षी ने कलरव कुर्वन्ति, पक्षी ने माने पक्षी जो है वो क्या करते हैं, कलरव माने क्या होता है, शोर मचाने को भी कहते हैं, उनकी आवाज होती है, उनकी जो ध्वनि होती है उसे कलरव भी बोलते हैं। पक्षी शोर करते हैं, कुर्वन्ति माने होता है करते हैं। खगा वृक्षाणां फलानि खादन्ति, और जो पक्षी है वो पेड़ों के फल खाते हैं। पिका, पिका माने क्या होता है, पिका माने होता है कोयल। पिका मधुर स्वरेण भुजंती, और जो कोयल है वो है ना कोयले, वो मधुर स्वर में गूंजती हैं, यानी अपना आवाज जो निकालना होता है उसे कहते हैं गूंजती है या गूंजती है। कहते ना कोयल बोल रही है, कोयल कू कर रही है, तो इस तरह से है। मयूरा यत्र तत्र नृत्यन्ति, मयूरा माने होते हैं मोर, मयूरा नृत्य है, मयूरा दिया है, मयूरा माने होता है मोर, मोर अत्र यत्र माने हो गया यहाँ वहाँ, नृत्यन्ति नृत्य माने होता है बेटा नाचना, अर्थात नृत्यन्ति माने बहुत सारे नाचते हैं, अर्थात मोर यहाँ वहाँ नाचते हैं। मधु पक्षी का पुष्पेशु उपविशन्ति, मधुमक्खी का माने होता है मधुमक्खियाँ। पुष्पेशु, आपको पता है मधुमक्खियाँ किसका रस लेती है, मधुमक्खियाँ फूलों से रस प्राप्त करती है ना, तो इन्होंने क्या कहा है, मधुमक्खी का पुष्पेशु उपविशन्ति, मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठती हैं, उपविशन्ति माने बैठना होता है, ठीक। ता तेसा रसम पिबंती, और वह क्या करती है, वह उनका रस पीती है, कौन पीती है, मधुमक्खियां। मधुमक्खियां किसका रस पीती है, फूलों का। आपके अनुवाद आ गए तो अनुवादों के लिए बेटा शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी है कि आना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, आपको तीन पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, अब आगे पढ़ रहे हैं। उपवने अनेकानि क्रीड़ा स्थलानि सन्ति, उपवने माने उपवन में, अनेकानि माने अनेक, क्रीड़ा स्थलानि माने खेलने के स्थान, संधि मानी है बाग में क्या है, खेलने के अनेक स्थान है। एक्सिमन स्थाने डोलिका अस्ति, डोलिका माने आपकी झूला होता है बेटा, डोलिका का क्या होता है, क्योंकि हम लोग उपवंती और तिष्ठंती दृश्यंती ये सब तो चीजें ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ हो गया, डोलिका है जैसे डोलिका का क्या हो गया झूला, इनके हमें अर्थ नहीं पता होता, तो थोड़ा सा उन शब्दों पर ज्यादा विचार करा करो जो हमें कम पढ़ने को मिलती है। तो एक स्थान पर क्या है, झूला है। बालिका दोला दोला डोलयंती, जो बालिका होती है, देखो बालिका माने बालक होता है या लड़का होता है, बालिका माने क्या होती है लड़कियां, तो लड़कियां क्या करती है, लड़कियां झूला झूलती है। ता सह विशेषम प्रसन्नता अनुभवंती, ता माने वे, सह विशेष माने बहुत मतलब आनंद हो जाता है, लड़कियां जब आपको पता है लड़कियां जब झूला झूलती है तो अपने आगे किसी को समझती नहीं हैंगी, तो इसी तरह से है कि लड़कियां जो होती हैं वह झूला झूलती हैं, विशेष प्रकार से जो है खुशी महसूस करती हैं, उनके अंदर एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि उनका एक त्यौहार भी आता है ना गर्ल्स का, लड़कियों का आपको पता है सभी को ना, तो वह झूला झूल से क्या करती है, आनंद महसूस करती है, बहुत ही विशेष होता है। अन्य बाला दोला रूढ़ा बालिका पश्यन्ति मोदन्ते च, दूसरे जो बच्चे हैं झूले पर चढ़ी लड़कियों को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, भाई जो झूलता है उसको देख के सब कहता है और ऊंचा कीजिए और ऊंचा कीजिए, तो उसी प्रकार से जो और बच्चे होते हैं उन्हें देखकर खुश
ओवर मान होता है तालाब, ठीक है, ज्यादा बड़ा तालाब नहीं होता, बगीचों में छोटे तालाब होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं। बगीचे में एक तालाब है, अस्से जले पड़ंक जानी बिक संती। आपको पता है पड़ंक जानी माने क्या होता है? ये पर्यायवाची कमल का है, ठीक है, कमल का फूल होता है ना, उसका है। इसके जल में कमल खिलते हैं, पड़ंक येशु भ्रमरा भुजंती। और कमलों पर भ्रमरा माने क्या होता है? भौरे गुनगुनाते हैं। भ्रमराणाम ध्वनि अत्यधिक श्रवणम मधुरा भक्ति। भौरों की ध्वनि सुनने में बहुत मधुर होती है। आपने आवाज सुनी है कि भौरों की, भमरा जो होता है उनकी आवाज सुनना करके बोलते रहते हैं ना, तो इस तरह से। बालका सरोवरे स्नानम कुर्वन्ति, बालक जो है उस सरोवर में स्नान करते हैं। केचन जले तरन्ति, और कुछ उसके अंदर क्या करते हैं, जल के अंदर तैरते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, तैरते हैं। तरणम अतीव स्वास्थ्य परम अस्ति, बेटा जो तैरना होता है वो शरीर के लिए अत्यधिक स्वास्थ्य कर, स्वास्थ्य मतलब लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यकर है। किस तरह से, जब हम उसके अंदर हाथ पैर चलाते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती है। उपवन से वातावरण नमनीय अस्ति, उपवन का जो वातावरण है वो बहुत ही जो होता है रमणीय होता है, अर्थात सुंदर होता है। अत्र आगत्य जना शांति लभते, यहाँ लोग आकर शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि सड़कों पर घूमोगे तो शोरगुल होता है, लेकिन एक बाग बगीचा ऐसा होता है जहाँ पर बैठ जाओ शांत वातावरण होता है और मन भी लगता है। वृद्धा प्रतिदिन ब्रह्मणाय अत्र आगच्छन्ति, वृद्धा माने होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, प्रतिदिन वहाँ पर घूमने के लिए यहाँ आते हैं। बाला बालिकाश्च क्रीड़ार्थम अत्र आगच्छन्ति, और लड़के और लड़कियाँ भी यहाँ खेलने के लिए आते हैं। केचन बालका पुस्तकानि पठन्ति, केचन माने कुछ बालक जो है पुस्तक पढ़ते हैं। केचन चित्राणि रचयन्ति, कुछ चित्र बनाते हैं। दर्शका स्वेच्छाय यत्र तत्र उपविशन्ति, दर्शक अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, स्वेच्छाएं या तो अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ वहाँ बैठते हैं। वस्तुतः उपवनम रमणीय अस्ति, वास्तव में बगीचा बहुत रमणीय है। आपका पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है, आपको उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो इस वाली पाठ से, वे आगे मेरे से क्लास के अंदर भी पढ़ सकता है। स्कूल के अंदर आपका बेटा इसका काम भेजूंगी, वीडियो बना के काम भेजूंगी, सभी बच्चे सेकंड यूनिट डालकर आप अपना कार्य करेंगे। देखिए आपको शब्द प्रश्न उत्तर, वैसे तो मैं राइट का निशान लगा दूंगी, जिसमें राइट का निशान लगा होगा वह आपको कॉपी के अंदर करना है, बाकी सारा अभ्यास कार्य आपको किताब के अंदर करना है, ठीक। उसके बाद आप आकर काम भी चेक कराएंगे, बेटा पहली युक्ति का काम किसी बच्चे ने अधिकांश आकर चेक नहीं कराया। अब की बार तो मैंने आपको नंबर दे दिए थे, लेकिन आने वाले समय में कॉपी चेक करानी अनिवार्य है, क्योंकि आपकी भी गलतियां हो जाती है, पता नहीं चल पाता है, ठीक है बेटा। तो आपका काम भी इसका आएगा, आप साफ साफ रेडिंग अपना काम करेंगे।